सबको नमस्कार। जैसे कि हमने बोले थे कि IBPS AFO मेंस का जो फ्री क्लासेस है वो हम लेके आएंगे, तो आज हम पहले से शुरू करेंगे सॉयल साइंस को। तो सॉयल साइंस में क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे उसका एक लिस्ट आप इधर देख सकते हैं। जैसे कि हमने पहले कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर रॉक्स एंड मिनरल्स, फिर लेक्चर 3 में कंप्लीट करेंगे सॉयल फॉर्मेशन एंड वेदरिंग, फिर सॉयल प्रोफाइल, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल, सॉयल क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लमेटिक सॉयल, सॉयल न्यूट्रिएंट्स एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये सारे वीडियोस आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएगा हमारा इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका दोस्त को भी इस चैनल के बारे में इन्फॉर्म कीजिए। तो आज का ये फास्ट लेक्चर है, इसलिए हम इधर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर करेंगे। तो सॉयल साइंस में जो वर्ड आता है सॉयल, वो असल में किससे बना होता है? सोलम से। सॉयल एक्चुअली सोलम से बना होता है, और सोलम का मतलब क्या है? फ्लोर। और फ्लोर क्या होता है? 3D होता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सॉयल का अगर आपको डेफिनेशन, सॉयल साइंस का अगर आपको डेफिनेशन अगर पूछा जाए, कहीं इंटरव्यू में पूछ सकते हैं सॉयल का डेफिनेशन बताइए क्या है, तो उधर आप ताकि अच्छे से बोल पाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं सॉयल का बारे में। तो सॉयल जो है वो बनता है सोलम से। सोलम का मीनिंग होता है फ्लोर, और फ्लोर एक 3D स्ट्रक्चर है, तो इससे थोड़ा सा डेफिनेशन क्लियर हो जाता है। अभी हम डेफिनेशन के बारे में आते हैं। सॉयल इज ए डायनामिक नेचुरल बॉडी। अभी इधर बात क्यों है डायनामिक? बात डायनामिक वर्ड का मतलब क्या है? जो स्टैटिक नहीं है, मतलब जो स्थिर नहीं है, जिसका कभी चेंज आता ही रहता है, कांस्टेंट नहीं है, आज ऐसा है कल ऐसा चेंज होगा, वेदर के वजह से चेंज हो सकता है, कोई अदर बायोटिक फैक्टर, कोई अदर एबायोटिक फैक्टर से चेंज हो सकता है। तो सॉइल इज ए डायनामिक नेचुरल बॉडी हैविंग 3D स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने बोले थे सोलम से बना होता है, तो सोलम का मतलब ही फ्लोर है, जो कि एक 3D स्ट्रक्चर है। तो सोलम सॉइल हैविंग 3D स्ट्रक्चर कंपोस्ट ऑफ किससे बना होता है? मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग फॉर्म्स इन विच प्लांट ग्रोस। तो आपका जो बेसिक पॉइंट है वो आपको याद ही हो गया कि सोलम से बना होता है, सोलम एक 3D स्ट्रक्चर है और ये एक डायनामिक नेचुरल बॉडी है। तो ये तीन चार इंपॉर्टेंट टर्म आपको बोलना पड़ेगा। तो सॉयल साइंस का जब भी बात आता है, तभी दो टर्मिनोलॉजी आपके सामने आता है कि पेडोलॉजी एंड इडोफोलॉजी। पेडोलॉजी एंड इडोफोलॉजी क्या है? देखिए, पेडोलॉजी जो है वो एक्चुअली द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉयल। मतलब सॉयल के बारे में हम बात कर रहे हैं उधर, सॉयल का उत्पत्ति कैसे हुआ, इस सॉयल का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका कौन सा क्लास में पड़ता है, क्या क्या इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका टेक्सचर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन सा 1:1 है या फिर 2:1 सिलिकेट टाइप क्ले है, कौन सा क्या है, ये सब बात हम जिसमें पढ़ते हैं उसको बोला जाता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के हिसाब से सॉयल का कैसा है? सॉयल इज ए नेचुरल बॉडी, ठीक है। इडाफोलॉजी का मतलब क्या होता है? इडाफोलॉजी में हम कुछ ऐसा सॉयल का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इडाफोलॉजी के अनुसार सॉयल इज ए नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट। तो देख सकते हैं आप, पेडोलॉजी के सॉयल कैसा था? एक नेचुरल बॉडी, और इडाफोलॉजी के अनुसार में नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट बोला जा रहा है सॉयल को। तो अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं सॉयल का उत्पत्ति कैसे होता है, सॉयल का ओरिजिन कैसे होता है। तो ओरिजिन ऑफ सॉयल एक्चुअली बेसिकली जो रॉक्स होता है उसका वेदरिंग होता है, उस वेदरिंग का जो रिजल्ट है वो है सॉयल फॉर्मेशन। अब वेदरिंग को देख सकते हैं, अब इधर रॉक है, अब रॉक के ऊपर बहुत सारा वेदरिंग होगा, जैसे कि कोई बारिश होगा, जैसे कि थंडर बोल्ट हो सकता है, जैसे कि रेन हो सकता है, एयर फ्लो होता हो सकता है, या फिर हाई टेम्परेचर हो सकता है, ये सारे जो एबायोटिक फैक्टर है या फिर सम बायोटिक फैक्टर भी हो सकता है, वो सारे मिलके जो एक फेनोमेनन क्रिएट करता है उसको बोलता है वेदरिंग, और वेदरिंग की वजह से रॉक से बनता है सॉयल। अभी जब हम सॉयल के ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए रॉक है इधर, ठीक है, एक रॉक है इधर, इस रॉक से वेदरिंग हो रहा है, और इस रॉक में वेदरिंग होने की वजह से इसी पास में ये जो रॉक है जिधर है उसका थोड़ा सा डिस्टेंस में एकदम आसपास में ही मान लीजिए सॉयल फॉर्म हो गया, ठीक है, मान लीजिए सॉयल फॉर्म हो गया आसपास में। और एक कंडीशन हो सकता है कि बहुत दूर, कहीं बहुत दूर, मतलब रॉक से बहुत दूर, इधर रॉक है, इसके ऊपर वेदरिंग हुआ है, फिर उसके बाद ये जो सॉयल फॉर्म हुआ है वो बहुत दूर हुआ है कहीं, तो ये दो कंडीशन हो सकता है। अगर सॉयल जिस रॉक से बन रहा है वेदरिंग के वजह से उसका आसपास में ही हो तो उसको बोला जाता है सेडेंटरी सॉयल, फाउंड एट द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, तो सेडेंटरी सॉयल उसे बोला जाता है। अगर दूर बन रहा है कहीं और, दूर बन रहा है रॉक से, तो उसको बोला जाता है क्यूमुलस सॉयल। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जानना होगा। तो बेसिकली हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा वो सॉयल
का फॉर्मेशन के बारे में होगा, मतलब वेदरिंग के बारे में होगा। तो उससे पहले हम थोड़ा सा अर्थ का स्ट्रक्चर को जान लेते हैं, इंटीरियर स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। हम सभी ने पहले से ही जब क्लास 10 9 में पढ़ते थे तो हमको ये अर्थ का ये इंटीरियर पता था। क्रस्ट आता है, उसके बाद मेंटल आता है, उसके बाद कोर आता है, ठीक है। कोर में दो भाग है, आउटर कोर इनर कोर, ये हमको सभी को मालूम है। तो इसमें से कौन सा चीज़ आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा कि जो सियाल और सीमा है वो किधर है, क्रस्ट में है, मेंटल में है या फिर कोर में है। एक छोटा एक नॉर्मल सा एक बेसिक सा क्वेश्चन है, क्रस्ट में होता है, क्रस्ट में जो सियाल और सीमा होता है, और सियाल का ऊपर सीमा होता है या फिर सीमा सियाल का ऊपर होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए मैंने पहले लिखा सियाल, ठीक है, उसके बाद लिखा मैंने सीमा। देख सकते हैं पहले सियाल फिर उसके बाद सीमा, मतलब सियाल फ्लोट्स अबव द सीमा, सीमा नीचे होता है उसका ऊपर होता है सियाल, ठीक है। और सियाल में 65 to 75% सिलिका होता है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जानना होगा। और जो क्रस्ट का जो डेंसिटी है, मतलब सॉरी डेप्थ है, वो है 5 to 56 किलोमीटर। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इधर इम्पोर्टेंट यही था कि सियाल और सीमा के बारे में जो मैंने फैक्ट्स बताया। और जो मेंटल है, इसका थिकनेस देखिए 2900 किलोमीटर। और इसमें कौन सा पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, मेटल पाया जाता है, सिलिकेट पाया जाता है, और कुछ बेसिक रॉक पाया जाता है। आपको ये भी आपको कहीं पर भी पूछ सकते हैं, बेसिक रॉक पाया जा सकता है कहीं पर मेंटल पे। और कोर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उधर आपको सभी मोल्टेन मिनरल्स मिलेगा। कॉम्पोजिशन ऑफ क्रास्ट, इधर से क्वेश्चन आते हैं। तो क्रास्ट का कॉम्पोजिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉयल जो होता है वो कहीं कहाँ होता है, क्रास्ट में ही होता है, सॉयल सरफेस में ही होता है, मतलब अर्थ का सरफेस में ही होता है। तो अर्थ का क्रास्ट का कॉम्पोजिशन जानना इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट, 5 6 पॉइंट आपको जानना जरूरी है कि कौन सा पॉइंट है। जैसे कि आप हमें इधर लिखे हैं, मैंने देख सकते हैं कि 8 एलिमेंट आउट ऑफ 106, मतलब क्रास्ट में 106 एलिमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उन 106 एलिमेंट से भी जो 8 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऐसा है जो पूरा अर्थ का क्रास्ट का 98% कॉम्पोजिशन को बनाता है, मतलब 8 ऐसा एलिमेंट है आउट ऑफ 106 जो अकेले ही 98.6% कॉम्पोजिशन बनाता है, किसका, क्रास्ट का। क्रास्ट में जितना कॉम्पोजिशन होता है उसका 98.6% 8 मिनरल 8 एलिमेंट ही बना लेता है। अभी वो 8 एलिमेंट कौन सा है, वो 8 एलिमेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं नॉन मेटल और मेटल में। नॉन मेटल में कौन सा आएगा, नॉन मेटल में आएगा ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। और ये दो नॉन मेटल्स अकेले ही 75% ऑफ क्रास्ट को बनाता है, मतलब वन मतलब 3/4 पोर्शन ऑफ द क्रास्ट इज मेड फ्रॉम द सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। जैसे कि पहले ही बताया था कि जो सियाल है, वो सियाल में आप देख सकते हैं नाम ही ऐसा है सियाल, SI मतलब सिलिकॉन है इधर, और एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम है थोड़ा सा। तो इधर आप सियाल में ही देख सकते हैं 65 to 75% सिलिका इधर ही है, बाकी रह जाता है 25% वो कवर करता है कुछ मिनरल। तो इधर हमने दो बात कर लिए, और अभी इधर है 6 बाकी है, और वो 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम। क्वेश्चन आता है, यही आते हैं कि कौन सा नॉन मेटल या फिर कौन सा मेटल अर्थ का क्रस्ट में होता है, और कितना परसेंट कॉम्पोजिशन बनाता है, और सियाल और सीमा कहाँ पर पाया जाता है, कौन सा फ्लोट करता है किसका ऊपर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अभी आपको इधर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है, सेडेंटरी सॉयल कौन सा है, क्यूमुलेटरी सॉयल कौन सा है, और आपको बताया कि जो पेडोलॉजी और इडाफोलॉजी का मतलब क्या है, उस बेसिस है, पेडोलॉजी का बेसिस है सॉयल इज ए नेचुरल बॉडी, लेकिन इडाफोलॉजी का बेसिस है सॉयल इज ए नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सॉयल साइंस। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो थोड़ा सा लंबा होगा, ये तो बहुत ही बेसिक सा हुआ, बहुत ही कम टाइम में हो चुका है। तो आप इधर से देख सकते हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट को हम कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो आएगा कल को ही आएगा वीडियो, वो है रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में, रॉक्स एंड मिनरल्स का बहुत ही 20-25 मिनट का वीडियो होगा, बहुत डिटेल्स में हम कवर करेंगे। और पूरा जो मटेरियल है वो हमारा चैनल में, हमारा टेलीग्राम चैनल में हम आपको उपलब्ध कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उधर आप सब कुछ ये मटेरियल पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपका दोस्तों में शेयर कर दीजिए।